पेश है हिंदी जबान में अपडेट। कश्मीरी मोदी की लौह नीति के अंतर्गत निरंतर दमन का सामना कर रहे हैं। प्रत्येक आने वाला दिन उनके लिए एक नवीन समस्या लेकर आता है, क्योंकि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर पर हिंसा की छाया निरंतर फैलती जा रही है। 1 मिलियन से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों की उपस्थिति निरंतर कश्मीरियों की यातनाओं को याद दिलाती है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के विशेष स्टेटस के बहिष्कार के पश्चात से कश्मीरियों के लिए घाटी में स्थिति और भी अधिक असहनीय हो गई है। भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रत्येक प्रकार की पार्श्विक चालों का प्रयोग कर कश्मीर को इसके निवासियों के लिए एक सजीव नरक बना दिया है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को हर समय अवैध हत्याओं, छापों, टॉर्चर तथा बलात्कार जैसे जघन्य कृत्यों का सामना है। कश्मीरियों की प्रतिवाद की भावना अटल है, वे अपने अधिकारों की मान्यता की मांग कर रहे हैं। संसार कब तक भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के पार्श्विक सैन्यीकरण पर मौन साधे रहेगा? विश्व की निष्क्रियता केवल दमनकर्ता भारत को और अधिक दिलेर बना रही है, जबकि कश्मीरियों की सहायता की जीत का और अधिक ऊंची होती चली जा रही है। कश्मीरियों की स्वयं निर्णय के अधिकारों की जीतकार को पार्श्विक सैन्यीकरण द्वारा नहीं दबाया जा सकता। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में इस समय किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध एकाकी रूप से खड़े होना अपरिहार्य है। कश्मीर के लिए संघर्ष मानव सम्मान का संघर्ष है, जिसके प्रति तुरंत सार्वभौमिक ज्ञान की आवश्यकता है। यह मौन को भंग करने तथा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में इस समय उत्पन्न हो रहे मानवीय संकट की यथार्थता से जूझने का समय है।